हम सब पूछते किसको हैं? भगवान राम को पूछते हैं, हनुमान जी को पूछते हैं, किस लिए? भगवान राम के पास सत्ता थी जब वो रावण से लड़े? नहीं थी, वनवास में थे, रथ भी नहीं था, रथ रावण के पास था, सत्ता रावण के पास थी, सोने के महल में रावण रहते थे, सोना रावण के पास था। भगवान राम जंगल में थे, वनवास में थे, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन श्रद्धा थी जनता के प्रति, सत्य था, सच्चाई, सच्चाई के मार्ग पे चलते थे, अच्छे थे, पूरे देश को, पूरे पूरी जनता को, सबको, सब हमेशा प्रेम की दृष्टि से देखते थे। इसीलिए तो हम उनको पूछते हैं, जब लड़ाई लड़े तो लड़ाई इसीलिए जीते क्योंकि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज परिस्थितियां क्या है? आज उनका नाम इस्तेमाल करा जा रहा है आपसे वोट लेने के लिए, और बहनों आपके यहां आते हैं, दुर्दुरिया कराते हैं, कहते हैं कि शपथ लो, आते हैं ना, कहते हैं शपथ लो भगवान के नाम कि वोट तुम उनको दोगे। अरे भगवान जी कौन सा कह रहे हैं कि आपको इनको या उनको वोट देना है? क्यों कर रहे हैं ये काम? क्योंकि अपने काम के आधार पर वोट नहीं मिलेगा। किया क्या है? किसान तड़प रहा है, नौजवान तड़प रहा है, सरकारी अधिकारी तड़प रहा है, और बताओ महिला तड़प रही है, महंगाई से मार डाला है सबको, जीएसटी जीएसटी दे देकर। आपसे ले रहे हैं इतना, तो आपको 5 किलो राशन दे दिया, कौन सी बड़ी बात कर ली? टैक्स कितना ले रहे हैं आप पे, आपसे आप टैक्स भरे जा रहे हो, बड़े बड़े खरबपतियों की टैक्स इन्होंने की है, बढ़ाई है, नहीं बढ़ाई है, उत्ती की उत्ती है, आपसे टैक्स ले रहे हैं, उसी टैक्स से आपको राशन पकड़ा रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि बस ये राशन लो, चुप हो जाओ, बस और कुछ मत पूछो। ऐसे तो नहीं चलेगा। और जब चुनाव आता है तो भगवान का नाम, अब भगवान भी चाहते हैं कि आप फूलो फलो, आप भगवान से प्रार्थना इसलिए करते हैं कि आपके जीवन में भगवान की कृपा हो, तो भगवान सबसे ज्यादा यही चाहते हैं कि आप जागरूक बने, क्योंकि जब इंसान, हर धर्म में यही सिखाया जाता है, हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है कि जागरूक बनो, जितने भी गुरु हैं, जितने भी संत हैं, उन सब ने कहा है अपने जीवन के अनुभव को देखो, अपने जीवन के अनुभव से सीखो, अपने अनुभव से ही धर्म को समझो, ये सब संतों ने कहा है। तो आज मैं आपसे कह रही हूं, आपका जीवन क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, तनाव, घबराहट, मुश्किलें, समस्याएं, बच्चा बीमार पड़ता है, इलाज कैसे करेंगे, फीस भरनी है कैसे भरेंगे, ट्यूशन में भेजना है कैसे भेजेंगे, बारिश आ गई, ओले पड़ गए, भुगतान नहीं मिलेगा, अगर कुछ नुकसान हो गया क्या करेंगे? तो भगवान भी चाहते हैं कि तुम जागरूकता से